शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, देखिए ये सुंदर सी क्रोशिए की शॉल का डिजाइन लेकर आज हम आए हैं। बनाने में आसान है और देखने में खूबसूरत, सिंपल आसान डिजाइन भी देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसे कि ये वाला डिजाइन है, आप देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको एक बार आप समझ लेंगे तो बस एकदम जल्दी से बनने वाला है। इस शॉल का जो साइज है वो मैं आपको बताऊंगी और ये डिजाइन आपको बताऊंगी। थोड़ा शुरू करें उससे पहले एक ही बात समझ लीजिए कि ये जो साइड वाला फूल है ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया का है। 3 चावल, 1 चेन, 3 चावल। और बीच वाला जो ये फूल है ये 2 चावल, 1 चेन और 2 चावल, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया का है। बस ये एक बात आपको ध्यान रखनी है और बाकी तो ये बहुत ही आसान डिजाइन है। आइए देखते हैं ये कैसे बना है। एक और अनुरोध है आप लोगों से कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा करें, ये झालर कैसे लगाएं या और भी कोई वीडियो के लिंक उसमें दिए हुए होते हैं जो आपके काम के होते हैं, तो उन वीडियोस को आप वहां से देख सकते हैं। इस शॉल की या स्टोल की आप कुछ भी कह सकते हैं, जो चौड़ाई है वो लगभग 32 इंच है, 32 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 66 इंच है। झालर ये अलग से है, जो ये झालर लगी है ये उस लंबाई में नहीं हमने गिना है। तो ये तो इसकी लंबाई चौड़ाई हुई। और ये जो फूल है इसको हम एक फूल की लाइन कह देते हैं। बारह फूलों की ये लाइन है, 12। तो अगर आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है तो आप इसको घटा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस डिजाइन से जैकेट, मफलर कुछ भी बना सकते हैं। आसान ये डिजाइन होते हैं, इनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्रोशिए का मफलर या शॉल जब हम शुरू करने वाले हैं तो हमको डबल ऊन से शुरुआत वाली चेन बनानी है। ये हमने दुहरी ऊन ली है और इसको हम चाहें तो और भी बड़ा रख सकते हैं, तो इसको हम फिर झालर में मिला देते हैं। इसको हम और लंबा रख लेंगे तो ये झालर में मिल जाता है। आपको जितना भी चौड़ाई का शॉल या मफलर बनाना है उसी अनुपात में या थोड़ी सी ज्यादा भी चेन हो जाती है तो भी कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा साइज अगर पूरा हो गया और चेन बच रही है तो हम उनको उधेड़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 2 फूल आपको बनाकर दिखाएंगे। थोड़ी सी हम और चेन बना लेते हैं और फिर हम ये डिजाइन शुरू करेंगे। ये मानिए हमारी चेन हो गई, अब हमने इसको छोड़ दिया है यहाँ। अब सिंगल ऊन से हम बुनाई कर रहे हैं, तो 3 चेन हमने ली साइड में, ये हमारी 1 चावल के बराबर है। और अब हम यहाँ पर साइड वाला फूल बना रहे हैं। 1 डबल क्रोशिया या चावल लिया और 1 और डबल क्रोशिया या चावल लिया, 3 हो गए। अब उसके बाद 1 चेन ली और इसी जगह पर दोबारा 3 हमको और बनाने हैं। इसके बाद फिर हमको 4 चेन हमने ली और ये हम ऐसे देख लेंगे इसको ना, इस तरह से थोड़ा देख लीजिए कि ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर आकर हम 1 डबल क्रोशिया या 1 चावल बनाया और उसके बाद यहाँ पर 3 चेन्स लेकर, और फिर वही इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर आकर हम 1 और डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये हमारा बीच वाला ये जो है घर ये बन रहा है। फिर ये साइड में हमको फिर से 4 चेन लेनी है, 4 चेन्स ली हमने, और अब हम ये वाला फूल बना रहे हैं। इसको हमने जाना है कि ये हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया लेंगे। किनारे वाला जो है वो थोड़ा हम मोटा बड़ा बना रहे हैं, इसलिए वहां पर हमने 3 लिए हैं, यहाँ पर 2-2 लिए हैं। फिर से हम 4 टाइम्स 4 चेन लेंगे और उसी तरह से हमको ये बनाना है जो बीच का। 1 चावल लिया,
फिर तीन चेन ली और फिर थोड़ी सी दूरी पर ये हमने ये एक बॉक्स जैसा बना लिया। फिर चार चेन ली और ये हम दूसरी साइड का फूल बना रहे हैं। तो अब हम ऐसे मान लेते हैं कि हम इतना ही चौड़ा बनाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हमने तीन चावल, एक चेन और तीन चावल, ये हमारा दूसरी किनारी का बड़ा वाला फूल हो गया। तो बीच में हम जितने भी फूल बनाएंगे वो दो दो वाले हैं और ये किनारी वाले जो हैं ये तीन तीन वाले हो गए। इसको हम बाद में अभी उधेड़ कर दिखाएंगे आपको। अब हम यहाँ पर दो चेन लेकर मुड़ रहे हैं और इस फूल के ऊपर हमको फूल ही बनाना है, यही बनाना है। तीन के ऊपर तीन वाला ही बनाना है, तीन डबल क्रोशिया, एक चेन और तीन डबल क्रोशिया। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमको भरने हैं डबल क्रोशिया या चावल, अब हम दो चेन ले रहे हैं और यहाँ पर आठ, एट टाइम्स हमको डबल क्रोशिया बनाना है। आठ बार हम डबल क्रोशिया भरेंगे यहाँ। आप लोगों से एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताया करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाएं। ये आठ चावल हमने भर दिए हैं। दूसरी तरफ फिर हमको दो चेन लेनी है और इस फूल के ऊपर वही दो चावल, एक चेन और दो चावल। फूल के ऊपर फूल ही जाना है, बहुत ही आसान हो जाता है। अब दूसरी तरफ आए, फिर वही दो चेन ली और ये जो बीच वाला बॉक्स जैसी जगह है इसमें हमको आठ बार, एट टाइम्स हमको ये चावल जो है, डबल क्रोशिया जो है, ये भरना है। फिर ये अब ये फिर हम दो चेन लेंगे और यहाँ पर जो हमारा ये तीन वाला फूल है, तीन फूल के ऊपर तीन वाला ही फूल हम बनाएंगे। आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप वीडियो अंत तक देखा करें। और इसके अलावा अगर ये क्रोशिये की आप बड़ी शॉल बना रहे हैं तो बहुत हल्की वाली ऊन लेना है। फिर से ये दो चेन बनाकर हम मुड़ेंगे और ये जो बीच में हमारी एक चेन की जगह होती है वहीं पर हमको ये फिर से तीन डबल क्रोशिया, एक चेन और तीन डबल क्रोशिया। अगर आप भारी ऊन लेंगे, मोटी ऊन लेंगे तो शॉल बहुत भारी हो जाती है, इसलिए हल्की ऊन लेना बहुत जरूरी है। अब हम आए, फिर से दो चेन लेंगे हम और ये जो हमारे आठ, एट टाइम्स हमने डबल क्रोशिया बनाया था, हर एक के ऊपर, प्रत्येक के ऊपर हम एक एक बार और बना रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमने घुसाया, ये जो दो ऊन है वी जैसा जो है ना, ये अंग्रेजी के अक्षर वी जैसा, उसके नीचे हम घुसाएंगे और आठ के ऊपर आठ ही डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो इस तरह से ये वाली लाइन हमारी होगी, यहाँ पर दो चेन, फूल के ऊपर फूल, यहाँ पर दो चेन, यहाँ आठ के ऊपर आठ डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए ये हमने बनाया। अभी तो मैं थोड़ी सी मोटी ऊन पर आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा वीडियो में अच्छे से दिखाई दे सके। एक ब्राइलोन ऊन होती है, वो भी थोड़ी पतली होती है, आप उसको भी देख सकते हैं या और भी कोई पतली ऊन आप लें। इस तरह से ये हमारा इधर भी हम करेंगे। अब देखिए ये जो डिजाइन की है, ये डिजाइन की लास्ट लाइन है। फिर से हमने दो चेन ली और अगर हमारा यहाँ बढ़ रहा है, अगर ऐसे लग रहा है तो हम एक चेन भी ले सकते हैं। इसको हमें थोड़ा सा ऐसे आंखों से देखना होता है कि हमारा डिजाइन ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम एक ही चेन ले लेते हैं मेरी, क्योंकि यहाँ पर मोटी ऊन है। और अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये जो जगह है दो चावलों के बीच में, दो डबल क्रोशिया के बीच में जो जगह है, यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बना रहे हैं। एक जगह में दो डबल क्रोशिया, फिर अगली जगह में फिर से, तो ये जितने भी गैप हैं, इन सारे गैप में हम दो दो डबल क्रोशिया बना रहे हैं।
इस तरह से ये मैंने तीन बार बनाया, थ्री टाइम्स हुआ, ये फोर्थ टाइम हुआ, सेवन टाइम्स, सात बार, सात जगह हमारी ऐसी हैं इसमें, तो ये सात बार हमने इस तरह से दो दो डबल क्रोशिया या दो दो चावल इस जगह में से बनाया। तो देखिए ये हमारा ऐसे खुला खुला सा सुंदर सा डिजाइन दिखने लगा। फिर एक चेन लेंगे और फूल के ऊपर फूल बनाना है, ये जो हमारी सीधी लाइन वाला जो फूल है उसके ऊपर हमें फूल के ऊपर फूल बनाना है। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसी तरह करेंगे, एक चेन लेकर और ये हर एक जगह में से दो दो डबल क्रोशिया। अब ये हमारा फूल तो पूरा हो गया है और देखिए ये हमारी ठीक से हमारा ये आ रहा है। तो ये डबल चेन करने का यही फायदा होता है कि ये हमारा डिजाइन सीधा जा रहा है। अब हमको नया फूल शुरू करना है, तो वो हम एक बार और ध्यान से थोड़ा देख लेते हैं कि नया फूल कैसे हम शुरू करेंगे। ये साइड का फूल बनाया, अब फिर से हम फोर चेन हमने ली और यहाँ पर आकर हम ये देखिए पांच डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर आकर हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। उसके बाद फिर हम तीन चेन ले रहे हैं और इधर से हम पांच को छोड़ देंगे और फिर इसके ऊपर हम ये इस तरह से बनाएंगे। फिर से चार चेन लेकर और ये फूल के ऊपर फूल बनाएंगे। इस तरह से हमारा नए फूल की शुरुआत होगी। ये थोड़ा चेन को आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपका डिजाइन में कुछ परेशानी आ रही है तो आप थोड़ा सा घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट ये शेप आ गई है। बस इसी तरह से हम जैसे यहाँ पे हमने किया है ये बनाएंगे, लौट कर आएंगे, फिर इसमें आठ चावल भरेंगे और इसी तरह से ये डिजाइन हमारा आगे चलता जाएगा। अब ये जो किनारी है हमारी, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने बाद में एक लाइन ये पूरा डबल क्रोशिया चावल चावल से भर दिया। जैसे अभी हमने ये शुरुआत करी है तो यहाँ पर हम बाद में एक लाइन में पूरा चावल चावल भर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा वाली चेन है इसको हम समझ लेते हैं कि इसको हमें थोड़ा सा उधेड़ देना है। जो भी चेन एक्स्ट्रा है, हमारा साइज पूरा हो गया है, तो आप सुई सलाई क्रोशिया किसी की भी मदद से इस तरह से इसको उधेड़ सकते हैं। ये हम उधेड़ते हुए अपने कॉर्नर तक आएंगे, ये लास्ट टाइम हम इसको और उधेड़ लेते हैं एक बार और इसको हम इस तरह से यहाँ खींच देंगे। तो ये हमारी जो भी एक्स्ट्रा चेन थी ये उधड़ गई। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और ये देखिए यहाँ भी हमने लास्ट में ये इस तरह से इसको बंद किया है, फूल खत्म हुआ, फूल के बाद हमने ये बनाया है, पहली लाइन बनाई है जैसे शुरू करते हैं पहली लाइन और फिर ये सब पूरा चावल चावल से इसको भर दिया है। तो इस तरह से ये सुंदर सी शॉल स्टोल कुछ भी आप बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।